मैं जो अभी जा रहा हूँ, अभी सौरभ का रूम जा रहा हूँ, और इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा इसकी आईटी पटना का रूम कैसा होता है, या किस तरह का जो भी है, मतलब कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ के रूम में दिए जाते हैं। और जो है मैं अभी लिफ्ट में, देखो गैस चल रहा हूँ, ये लिफ्ट है, और मैं यहाँ से जाऊँगा सौरभ का रूम, और वहाँ पर फिर आपको रूम में दिखाऊँगा कि आईआईटी पटना में क्या क्या फैसिलिटीज़ है रूम में, किस तरह से आपको जो है मतलब क्या क्या मिलता है, एक है ना। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो चलता हूँ, अभी मैं थर्ड फ्लोर पर रहता है सौरभ सौरभ का रूम जाऊँगा थर्ड फ्लोर पर, और उसके बाद फिर गैस मैं जो हूँ आपको दिखाई गैस। अभी जो हम जा रहे हैं सौरभ का रूम जा रहे हैं, सौरभ थर्ड फ्लोर पे रहता है, और शायद सौरभ रूम में देखते हैं क्या कर रहा है या नहीं है। रूम नंबर 315, हाँ गैस यही है, देखते हैं। सौरभ नहीं है, है ना गैस, सौरभ नहीं है। तो दोस्तों एक बार रूम का व्यू देख लो गाइस, एक बार रूम का व्यू देख लो गाइस। ये रूम का व्यू है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये एक तरह से। तो यहाँ पर ये बालकनी है गाइस, मतलब ये बालकनी है, यहाँ से आप इधर बालकनी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो हूँ बालकनी नहीं, मैं आपको रूम दिखाना चाहूंगा। इधर से मैंने अभी इंटर्ड किया है, इंटर्ड करने के बाद गाइस यहाँ आपको इस तरह का सेफ मिल जाता है, सेफ सेफ मिल जाता है, जिसपे कि आप जो है मतलब कॉपी किताब रख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको तीन तीन वो दराज मिल जाता है, और यहाँ पर कपड़ा रखने के लिए आपको एक एक मतलब ये भी एक अलमीरा टाइप का है जो कि आपको मिल जाता है। और गैस यहाँ पर आपको एक ट्यूबलाइट इस रूम में मिल जाएगा, और एक फैन मिल जाएगा गैस, जो कि ट्यूबलाइट अभी जल रहा है, एक फैन मिल जाएगा, और एक विंडो होती है इस तरह से, और एक और यहाँ पर आप देखेंगे एक चेयर आपको मिल जाएगा, और एक टेबल मिलेगा, जिस टेबल में जो कि आप जो है यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अपनी सामान भी कुछ कुछ रख सकते हो। उसके बाद कॉपी किताब यहाँ पर टेबल पर रख के और चेयर पर बैठ कर पढ़ सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो, यहाँ चार्जिंग केबल लगा हुआ होता है गैस, आप यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हो। तो बेसिकली एक रूम में दो मतलब बेड होता है, जो कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक बेड है ये सौरभ का, और ये एक बेड जो है इस पर कोई नहीं है। तो ये बेसिकली एक रूम में आपको दो बेड मिल जाता है गाइस, और एक टेबल मिल जाता है, और जो है एक चेयर मिल जाता है ना, और जो है आपको एक और साथ ही साथ आपको है कि एक बालकनी भी है, जिससे कि मतलब आप जो है मतलब इधर देख सकते हैं, मैं आपको बालकनी दिखाना चाहूंगा यहां से बाहर का व्यू कैसा है। ये बालकनी का व्यू है, आप देख सकते हैं बालकनी का ये व्यू जो है कितना खूबसूरत व्यू है, ये बालकनी की बहुत खूबसूरत व्यू है। और आपको मैं अंदर करना चाहूंगा, ले जाना चाहूंगा रूम में। तो आ जाते हैं अंदर, और फिर जो है कि मैंने आपको भी अंदर आगे, तो जो है अभी आपको मैंने दिखाया रूम का व्यू क्या है। तो मैंने कमरा का वो फोकस लॉक कर रहा था गाइस, और देन गाइस अब जो है तो मुझे लगता है शायद मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। आपको जो है यहाँ पर एक रूम में दो बेड मिल मतलब दिए जाएंगे, एक टेबल दिए जाएंगे, एक चेयर दिए जाएंगे, और आपको इस तरह का कॉपी किताब रखने के लिए मतलब बना रहता है। और जो है यहाँ पर आप इसमें एक तीन दराज मिल जाएंगे, इसमें आप कपड़ा उपड़ा रख सकते, एक ऊपर वाले बड़े दराज में आप कपड़ा उपड़ा रख सकते हो, और फिर ट्यूबलाइट है, बाकी सब मैंने शायद बता दिया, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोड़ा है। और जो है यहाँ पर एक स्विच है गाइस, इससे जो है आप इस लाइट को जला सकते हो और बंद कर सकते हो। मैंने इसका यूज गाइस तब करते हैं रूम में जो है जब मतलब रात में कोई एक पढ़ रहा हो, या फिर कम लाइट में मतलब सोना है, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। और उस समय गाइस हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्यूब लाइट जल रहा है जिसको मैं अभी आपको दाग दिखा था, इनको बंद कर देते हैं। मैं इससे इससे तो नहीं हो रहा, मैं दूसरे से ट्राई करता हूँ, तो इनको बंद करने की कोशिश, यहाँ से मैं गाइस बंद करके दिखाता हूँ। गाइस यहाँ से शायद जो है बंद हो जाएगा, देखो रात जैसा फील आने लगा गाइस कि मैं जला देता हूँ। इवनिंग है यहाँ बाय द वे, और एक फैन मिल जाता है इस तरह का, आपको सीलिंग फैन मिलेगा, और काफी रूम काफी बढ़िया है, और काफी साफ सुथरा भी दिख रहा है, और शायद आपने रूम देख लिया। तो मुझे लगता है कि इस ब्लॉग में मैंने आईआईटी पटना के हॉस्टल के रूम को कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है आईआईटी में पढ़ना और आईआईटी के फैसिलिटी के बारे में जानना, आईआईटी के से रिलेटेड जो भी है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और फिर अगर कुछ आपको गलत लगी या कुछ और जानना चाहते हो तो गाइस मेरे इस वीडियो में आप वीडियो के वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि ये वीडियो कि ये चीज़ मुझे जाननी है, वो चीज़ जाननी है। बाकी जो कुछ भी है, मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने कवर कर लिया है, तो वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग।